एक साल के बाद ये वाला समय क्या नहीं। है खेती यहाँ पर क्या भिंडी की है और क्या बोलते हैं चावल की खेती है। अभी हम एक साल के बाद सादरा आ रहे हैं और पूरी हरियाली से भरा हुआ है सादरा। सादरा की रोड काफी अच्छी है और ये हमारे इस जगह से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। वो देखो पक्षी कहाँ जा रहे हैं। जोरदार लग रहा है ना हरियाली। अरे जोरदार हरियाली जबरदस्त। माइंड पैसा ही पैसा हमारा बुध जो है बहुत पावरफुल हो रहा है इस देख के। हरियाली को दोस्तों जब आप देखते हो तो आपका है ना बुध ग्रह अच्छा होता है क्योंकि जितनी भी हरियाली है ना यह हरा कलर है वो बुध ग्रह से है और बुध ग्रह व्यापार का ग्रह। तो यदि आप हरे रंग के ऊपर ध्यान करें या हरे रंग को देखते रहें तो आपका बुध ग्रह पुष्ट होगा। तो अभी आपको हम हरियाली दिखा रहे हैं और आपके मन में जो भी इच्छा है ना वो आपके हृदय में उसे लेके आए। और ये देखो भिंडी के पेड़ लगे हुए हैं और यहाँ पे अरेंडी लगा हुआ है और अभी यहाँ पर चावल की भी खेती होती है और यहाँ पर इस गांव में खेती बहुत जबरदस्त होती है। गांव में दोस्तों इस वक्त लगी है कपास और क्या लिया गया दूसरा मूंगफली। कपास और मूंगफली लगी और आप ये देख सकते हैं बारिश के बाद रोड तो यहाँ पर जोरदार ही है और हरियाली देखो कितनी जबरदस्त है। तो हरियाली में दोस्तों आप नोट करना कभी भी आप हरियाली में जाओगे ना आपका माइंड है ना फ्रेश हो जाएगा और अगर आप स्ट्रेस एंग्जाइटी वगैरह निकालना चाहते हो तो नेचर से कनेक्ट हो। नेचर से जितना ज्यादा आप कनेक्ट होगे आपको उतना ज्यादा आनंद आएगा। आपको ये भी है क्रिएटिविटी बढ़ेगी आपकी लाइफ में। कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो नेचर के थ्रू आपको सॉल्यूशन भी मिल सकता है। आपका इंट्यूशन पावर बढ़ेगा और वैसे भी क्या गांव में जाओगे तो गांव की जो वाइब्रेशन है ना बहुत जोरदार और शहरों में तो आप जानते हैं कि शहरों में पॉल्यूशन बहुत है और गांव में देखो खेती बहुत है जबरदस्त हरियाली और जबरदस्त। गांव का जीवन क्या है धीमी गति का और जब आप लाइफ में धीरे धीरे जो चीजें करोगे ना उसकी क्वालिटी जबरदस्त होगी। क्या लिखा देखो पायल बेन मनन भाई शाह यूएसए चंद्रिका उन लोगों ने बना रखा है समझ रहे हो। मुख्य प्रवेश द्वार जक्षिणी माता की जय हो जय हो। आनंद आ गया परम आनंद गाँव। ये अभी हम एंटर हुए एक साल के बाद सादरा गांव में। अभी दोस्तों हम सादरा गांव पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर के बाद हम आदेश आश्रम पहुंचेंगे। गुरुजी के लिए हमने दोस्तों रास्ते से फ्रूट ले लिए थे हम उन्हें फ्रूट देंगे और ये आप देख सकते हैं सादरा गांव का मार्केट है। यहां से अभी जाएगा आदेश आश्रम की तरह रास्ता। संसारा ने वो भी बन चुका है तुमने मेड़ में दिया ना। से फर्स्ट में डाल देना गाड़ी पे आदेश। ओम श्री शिव गोरस मणि श्री ब्रह्माणी माताए नमः सतगुरु श्री श्री 1008 बाबा ओमकारनाथ जी आदेश।
अभी दोस्तों शाम का 5:15 हुआ है, हम आदेश आश्रम पहुंच चुके हैं। आज दोस्तों हम लगभग 17 महीने यानी कि 1 साल 5 महीने के बाद हरिनाथ बापू से मिल रहे हैं और यहां पर बारिश की वजह से काफ़ी हरियाली देखने को मिल रही है। सही है, हरियाली है। पानी आया, ये देखो, जय हो। ये पानी कब आ गया बाबू? पानी तो खतरनाक आ गया है, जबरदस्त। आया केतु महाराज, और क्या लेते हैं? ये शमशान बना दिया ना, ये रहा शमशान, देखो ये रहा शमशान का काम चालू ही है। बस बस हो गया, अभी बैठे रहे। अरे मस्ती मत कर अभी, चुप। ये देखो शमशान का काम चल रहा है। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, 3 गुरुजी की यहाँ पर समाधि हैं, जिनकी यहाँ पर मूर्तियाँ बना के रखी गई हैं। शाम को पूजा के समय यहाँ पर दिया जलाया जाता है। इस आश्रम का दोस्तों हमारे चैनल में कई ब्लॉग पड़े हैं, आपने यदि नहीं देखे तो आप देख सकते हैं। अभी हम दोस्तों कुछ देर धोने में जाके ध्यान करेंगे। और ये आप देख सकते हैं ब्रह्माणी माता जी को भी यहाँ पर बिठाया गया है, जिसका कि ब्लॉग मेरे चैनल में पड़ा है। अभी हम कुछ देर धोने में जाकर ध्यान करते हैं। सही बात, मेरा आध्यात्मिक विज्ञान इस इंसान को आगे ले गया। ये दोस्तों जो आप देख रहे हैं, ये जगह नई बनी है, पहले नहीं थी। जब हम 17 महीने पहले आए थे यहाँ पर एक कार्यक्रम में, और ये देख सकते हैं ये साबरमती नदी के तट का किनारा है। और आदेश आश्रम दोस्तों शमशान के बगल में ही है। अभी हम आपको महादेव के दर्शन कराते हैं, जो कि आश्रम का ही हिस्सा है। आप भी महादेव के दर्शन करिए, वैसे भी सावन चल रहा है। ये है दोस्तों शिव का मंदिर, सतनाथ महादेव। तो आपको हम कराते हैं दर्शन। यहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त ऊर्जा है, यहाँ पर बैठकर ही हमने रातों को कभी कभी साधना भी की है।
इस वक्त दोस्तों शाम का 6:30 हो चुका है, सूरज ढल रहा है और आप ये देख सकते हैं भव्य प्राकृतिक नज़ारा, पक्षियों की चहचहट। ये दोस्तों आश्रम के पीछे का हिस्सा, ये सामने जो आप देख रहे हैं वो शौचालय है और ये सीढ़ियाँ बनी हैं छत में जाने के लिए। फिलहाल हम छत में नहीं जा रहे हैं और ये जो दाई साइड पे खाट वगैरह लगी है, कभी कभी हम यहाँ पर भी पहले बैठा करते थे, अभी तो यहाँ पर घास काफ़ी उग चुकी है। जब आश्रम नया बन रहा था तब हम यहाँ पर बैठा करते, वो आप हमारे पुराने ब्लॉग में देख सकते हैं। और अभी हम आपको यहाँ पर मोर आदि को दिखाएंगे जो कि बाहर नाच रहे होंगे। और ये है हरिनाथ बापू की गाड़ी, इसी में ही बैठकर बापू इधर उधर भ्रमण में कहीं जाना होता है तब जाते रहते हैं। बापू ने दोस्तों हमें गुड़ के लड्डू दिए। गुड़ के लड्डू खाने से जो है आपका सूर्यस्वर सक्रिय हो जाता है। सूर्यस्वर सक्रिय होने से आपके अंदर अलग प्रकार की ऊर्जा होती है। अभी हम दोस्तों गुरुजी से विदा ले रहे हैं क्योंकि अभी लगभग 7 बजने वाले हैं, तो वापस कभी और यहाँ बनाएंगे। अभी हम बापू को थोड़ी सी भेंट करें और बापू का आशीर्वाद लेके यहाँ से आश्रम से चलो। तो बापू आदेश हैं। जब भी दोस्तों आप शहर से दूर किसी भी गांव में जाते हैं तो वहां पर आपको इस प्रकार का प्राकृतिक और भव्य नज़ारा देखने को मिलता है। ये आप देख सकते हैं मोर नाच रहा है और यहां पर जो आवाज़ है प्रकृति की, प्रकृति के में जो पक्षी हैं और ये जो हरियाली है वो मन को अक्सर वापस से फ्रेश कर देती है। तो आप भी दोस्तों ऐसी जगहों पर यात्रा ज़रूर करते हैं और ये आप देखिए कितना भव्य नज़ारा है। गुरुजी दोस्तों पक्षियों के लिए दाना डालने के लिए बाहर निकले हैं, ये आप देख सकते हैं पक्षियों को दाना डाल रहे हैं, उसके बाद आश्रम के भीतर चले जाएंगे। इस नज़ारे को कैप्चर करने के लिए दोस्तों हमने बहुत पेशेंस रखा, फाइनली हम कैप्चर करने में कामयाब हो गए। बापू के आश्रम से लग गए दोस्तों जक्षणी माता का मंदिर है, तो अभी हम जक्षणी माता में दर्शन करते हैं। जक्षणी माता के दर्शन करने के बाद वहां से हम निकल जाएंगे अपने घर की ओर। लगभग 7 बजने वाले हैं, हम हरिनाथ बापू के साथ बैठ के और कुछ चर्चाएं आध्यात्मिक करने के बाद अभी हम सादरा गांव से अपने घर मोटेरा की ओर जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं सूरज ढल रहा है, काफी आनंद आ गया और बहुत ही हमने क्या चाय वाय पी, उनके वहां पर एक साधु आए थे उन्होंने चाय वगैरह बनाई और बहुत आनंद आया। और बापू ऐसा बोल रहे थे कि हम 3 साल के बाद आए, अभी हमको याद नहीं, मगर हाँ एक डेढ़ साल के बाद तो हम लोग आए होंगे अभी।
तो दोस्तों इस व्लॉग को हम यहीं समाप्त करते हैं। अभी हम जाएंगे मोटेरा, फिर मिलेंगे एक और नई यात्रा में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। यदि ये व्लॉग पसंद आया तो नीचे कमेंट करें, हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों फिर मुलाकात होगी जल्द ही एक और यात्रा में। बाय, टेक केयर। हाँ बात सही, अच्छी याद है। दुनिया बहुत बड़ी है। नहीं, दुनिया बहुत बड़ी, कल क्या होगा किसको पता। वो गाना नहीं है, हरियाली रहती है। अरे शाम का टाइम तो और मजा आता है, शाम का और सुबह का।